This is of wave theory, और इस पार्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर uh, पढ़ रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन वेब वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी देखिए आपको पता है कि जब एक वेव चलता है तो आपके पास वेव का कुछ वेलॉसिटी होता है और वेव में वेव चलने के साथ साथ जो पार्टिकल होता है उसका कुछ वेलॉसिटी होता है राइट तो हम वही उसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं कि जो है, right? प्रोग्रेसिव वेव तो का मतलब है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको तो डिफरेंशिएट करेंगे बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो के एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो पार्शियलिए डेल वाई अपॉन डेल्टी वो आ जाएगा ओमेगा बाहर आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ठीक है अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा टी को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो यहाँ देखिए माइनस के बाहर आ जाएगा तो माइनस ए के कॉस ओमेगा माइनस के एक्स ठीक है अब देखिए अब आप क्या करिए यहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में भी आ गया और एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से आ गया ठीक है अब आप क्या करिए इस दोनों को डिवाइड करिए इक्वेशन इक्वेशन और 3 को डिवाइड करिए तो इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को डिवाइड करिएगा तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो पार्टिकल का वेलोसिटी है तो पार्टिकल का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल वाई अपॉन डेल इसको जब डिवाइड करिएगा इन दोनों में तो कॉस उमेगा टी कॉस खत्म

और वेव वेलोसिटी में रिलेशन आ गया फाइनली आपको यही याद रखना है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू टेन थीटा डन अच्छा जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करिए मान लेते हैं आपके पास एक वेव है जो राइट right साइड की तरफ जा रहा है 330 मीटर पर सेकेंड से और इस पी पॉइंट पे एंगल 30 30 डिग्री है तो आपसे पूछा है कि इस पी पॉइंट पे इस पी का पार्टिकल वेलोसिटी बताइए तो अभी हम पढ़ के आए कि पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है tan थीटा के जगह पे tan 30 लेंगे वेव का वेलोसिटी आपको गिवन है 330 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव आगे साइन लगाएंगे तो देखिए वैल्यू आपके पास इतना आएगा यानी पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव में है इसका मतलब ये जो पी पार्टिकल है वो नेगेटिव मतलब माइनस ज की तरफ जा रहा होगा डन

इस ए पॉइंट पे देखिए जो थीटा है थीटा है क्या ये थीटा लेस नाइनटी डिग्री है बिल्कुल है अगर थीटा लेस देन नाइनटी डिग्री होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू आया पॉजिटिव ये वैल्यू आया पॉजिटिव सामने है नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा नेगेटिव यानी ए जो है नेगेटिव मतलब नीचे की ओर जा रहा होगा

तो हम क्या कर रहे हैं इस इस वेव का नेक्स्ट इंस्टेंट पे हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया अब देखिए यहां इस पॉइंट पे ए है तो इस पॉइंट पे भी ए होगा तो इस पॉइंट पे देखिए ए नीचे आएगा इस पॉइंट पे बी ऊपर जाएगा इस पॉइंट पे सी ऊपर जाएगा और इस पॉइंट पे डी नीचे जाएगा तो ऐसे भी हम एक अगला जो वेव बनेगा उसको ड्रॉ करके हम सबका वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बोला है ट्रांसफर डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ टेन मीटर 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर सेकंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.5 मीटर यानी वेवलेंथ आपको एंड इट्स एम्प्लीट्यूड एम्प्लीट्यूड आपको एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम टी द स्नैपशॉट ऑफ द शोन इन द फिगर वेलोसिटी ऑफ पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर

तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मुला यूज करिएगा ओमेगा रूट अंडर ए वाला यहां एम्पलीट्यूड आपको गिवन है ओमेगा निकालने के लिए आप क्या यूज करिएगा वी स्क्टू एन लेमडा होता है तो फ्रीक्वेंसी हो गया वी अपॉन लेमडा ओमेगा होता है टू एफ, तो के जगह पे ये डालिएगा तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा फिर आपको ये डिस्टेंस भी गिवन है तो आप वेलोसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्वेश्चन में आपको बोला है वो जब दिन वेव यानी आपके पास चार इक्वेशन है और आपसे बोला कि इस इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है तो अब जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो इसी पे ऊपर बेस्ड है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं ठीक है सो so, हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए अभी आपने पढ़ के आया था अभी आप पढ़ के आए कि प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है y A sin omega t kx. T के में पार्शियल डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये वैल्यू आता है एक बार और डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपके पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा फिर आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो ये वैल्यू आएगा एक बार और डिफरेंशिएशन तो ये वैल्यू आएगा ठीक है अब ध्यान से सुनिए इस दोनों को आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए तो जैसे आप इस दोनों को डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने से क्या होगा ये वैल्यू, ये वैल्यू। तो, अब अब इसको जब तो साइन से खत्म तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस से माइनस खत्म और ओमेगा अपॉन के क्या होता है तो स्क्वायर आ जाएगा तो यानी कि Delta square upon Delta square y upon Delta x square is equal to अब आप देखिए इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको अरेंज करके लिखिए आपको इसको इधर लेके आइए इसको इधर लेके आइए तो क्या लिख सकते हैं Delta square y upon Delta x square इसको लुप्पन ऑफ बी स्क्वायर इनटू Delta square y upon Delta t square तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव तो अगर कोई इक्वेशन आपको दे दे और आपसे पूछे कि क्या वो इक्वेशन है ट्रेवलिंग वेव का तो आप उसको डबल फॉर्म में लाइएगा अगर इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा तो वो इक्वेशन जो होगा ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो हम बार बार क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते डबल डिफ्रेंशिएशन तो उसके लिए एक तरीका है क्या तरीका है पहले तो इस पर एक नोट देखिए नोट क्या कहता है

तो हम क्या करेंगे यहां पर और टी का कुछ वैल्यू सेट करेंगे और और टी का वैल्यू सेट करेंगे और हम देखेंगे कि वाई का अगर एक फनाइट वैल्यू आता है एक गिवन वैल्यू आता है तभी ये इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को फॉलो करेगा सो फॉर ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन वाई शुड हैव अ फनाइट वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी यानी कि चाहे एक्सो टी का कोई सा भी वैल्यू हो y का अगर एक गिवन वैल्यू आता है तब हम बोलेंगे कि वो एक ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को फॉलो करता है ठीक है अब x और t का क्या वैल्यू हम सेट करेंगे साहब प्रोग्रेसिव वेव तो पूरे मीडियम में फैलता है इनफाइनाइट फैलता है तो कौन सा वैल्यू x और t का लेंगे हाँ, तो उसके लिए देखिए उसके लिए देखिए हम x और t का x और t का तीन वैल्यू यूज करेंगे एक तो x और t का वैल्यू यूज करेंगे माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट एक यूज करेंगे जीरो, टू जीरो और एक यूज करेंगे प्लस इंफानाइट टू प्लस इंफानाइट और अगर इसको इसका वैल्यू पुट करके वाई इन के बराबर नहीं आता है का एक सर्टेन वैल्यू आता है थ्री, जीरो। तब हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन ट्रेवलिंग को फॉलो करता है अच्छा कुछ मैथमेटिकल टूल काम्स में आएगा अगर e टू द पावर माइनस इंफानाइट है उसको जीरो लिखते हैं e टू द पावर प्लस इंफानाइट है तो उसको इन्फाइट लिखते हैं e टू द पावर जीरो है उसको वन लिखते हैं तो आइए वापस से उस क्वेश्चन पे जाते हैं जैसे मान लीजिए आपको बोला कि क्या ये इक्वेशन इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव वेव को फॉलो करता है कि नहीं तो मैंने आपको बताया था कि X और T का वैल्यू रखेंगे और अगर वाई इज नॉट इक्वल टू इनफाइट आया वाई का एक सर्टेन वैल्यू आया तो हम पक्का पक्का बोलेंगे कि ये एक ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है तो अब आप देखिए एक्स और टी का वैल्यू हम पहले रख रहे हैं जीरो जीरो रखिए टी जीरो रखिए तो e टू द पावर जीरो आएगा e टू द पावर जीरो मतलब वन तो y का वैल्यू आ गया वन तो ये एक सर्टेन वैल्यू है तो ये पक्का आ रहा है फिर एक x और t का वैल्यू रखिए प्लस इंफनाएट, प्लस इंफनाएट, तो x का वैल्यू प्लस t का वैल्यू प्लस इनफेट तो देखिए माइनस का माइनस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस तो माइनस आएगा और सामने माइनस है यानी कि पॉजिटिव तो यहां आ जाएगा y टू द पावर e टू द पावर माइनस माइनस इंफाइट क्योंकि यहां पे डालिएगा तो ये इसका स्क्वायर प्लस आएगा बाहर नेगेटिव है तो वाई टू तो द पावर माइनस इन्फाइट आ जाएगा और वाई टू तो द पावर माइनस इन्फेनाइट मतलब जीरो यानी एक सर्टेन वैल्यू है सिमिलरली माइनस इनफाइट टू माइनस इन्फेनाइट डालिएगा और टी का वैल्यू माइनस इन्फानाइट डालिएगा तो आपके पास आ जाएगा वाई टू द पावर ई टू द पावर माइनस इन्फेनाइट ये भी जीरो तो यानी कि वाई का एक सर्टेन वैल्यू आ रहा है जब आप इस तीनों वैल्यू को पुट करते हैं तो ये पक्का पक्का क्या होगा ट्रेवलिंग वेव होगा नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं दैट इज स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स मैकेनिकल वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग या स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड वायर या स्ट्रिंग तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेस्ड वायर है तो इसमें जो वेव का स्पीड होगा स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स मैकेनिकल वेव उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सुनिए जब भी वायर या स्ट्रिंग दे दिया तो उसमें टेंशन आएगा तो वहां जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर टी अपॉन म्यू बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत सवा, सारे सवाल बनते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव इन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच अंडर टी अपॉन म्यू म्यू इस को हम बुलाते हैं लीनियर मास डेंसिटी और म्यू को लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ और टी क्या है टेंशन फोर्स तो आपके पास जो वायर होगा वो सिलेंडर के शेप में होगा तो मान लेते हैं सिलेंडर का जो वायर है उसका लेंथ है एल तो म्यू क्या लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ

अब आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को क्या वेलोसिटी रूट टेंशन के अंदर डायरेक्टली डिपेंडेंट है बिल्कुल डिपेंडेंट है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ऑफ द दे द डेंसिटी वायर और वेलोसिटी अब देखिए टेंशन अपॉन एरिया पायर स्क्वायर क्या है एरिया तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया तो क्या हम टी अपन पायर स्क्वायर के जगह पे स्ट्रेस लिख सकते हैं तो वेलोसिटी देखिए यहां से रूट अंडर स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी तो और होता है, गामा तो, तो वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला आ गया रूट अंडर गामा टाइम्स स्ट्रेन अपॉन डेंसिटी ये क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद रखिएगा डन अच्छा कभी कभी आपको बोलता है कि एक वायर को हम हीट करते हैं तो हीट करते हैं तब उसमें वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव बताना है तो हीट करेंगे तो आपको पता है हीट करते हैं तो उसका लेंथ चेंज होगा एलडा टू एल वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा तो यहां से देखिए इसको मॉडिफाई करके डेल्टा एलोपोन एल डेल्टा एलोपोन एल को क्या बुलाते हैं स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो स्ट्रेन के जगह पे डेल्टा एलोपोन एल और डेल्टा एलोपोन एल के जगह पे हम अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं कब जब एक वायर को आप क्या करिएगा हीट करिएगा ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला मॉडिफाई होगा स्ट्रेन के जगह पे हम गामा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं और वाई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए इसमें बोला आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसका मास आपको गिवेन है 2.5 kg और इस स्ट्रिंग में हम टेंशन लगाते हैं 200 न्यूटन का और इस स्ट्रिंग का लेंथ है 20 मीटर

तो म्यू आ गया म्यू का वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी तो आएगा, दूसरा एंड है वो आपके पास ग्राउंड से कनेक्टेड है और पुली का ये जो रोप है इसका लेंथ है दो मीटर और इधर जो रोप है उसका लेंथ है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो आपसे बोला है कि इस स्ट्रिंग का जो मास है वो है फोर पॉइंट फाइव ग्राम

आप कैलकुलेट करिएगा क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो नीचे लगेगा ट्वेंटी जी नीचे लगेगा ट्वेंटी जी ऊपर लगेगा टेंशन नीचे लगेगा ट्वेंटी न्यूटन ग्रेविटी ऊपर लगेगा टेंशन तो टेंशन का वैल्यू आ गया ट्वेंटी न्यूटन ठीक है और म्यू को लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ तो मास कितना है पूरे रोप का फोर पॉइंट फाइव ग्राम तो इसको के जी में कन्वर्ट करेंगे और लेंथ है पूरे रोप का लेंथ होगा टू मीटर और इसको सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो टू पॉइंट टू फाइव मीटर आ जाएगा तो यहां से म्यू आ जाएगा म्यू का वैल्यू रखेंगे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा इस वेलोसिटी को यहां रखेंगे आपके पास टाइम आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपको बोला है कि एक स्ट्रिंग का जो लीनियर मास डेंसिटी है म्यू वो आपको गिवेन है फोर ग्राम पर सेंटीमीटर और बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट कर रहा है इस इक्वेशन के इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में जहां पे एक्स और वाई सेंटीमीटर में टाइम सेकंड में तो आपसे पूछा फाइंड एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग

कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव बताना है इन दोनों कंडीशन में पहले कंडीशन सुनिए यहां जो ब्लॉक है वो ऐसे रेस्ट पे टंगा हुआ है पर अब हम क्या करते हैं इसी कंडीशन में क्या करते हैं एक बकेट में पानी भर करके अब इस ब्लॉक को यहां डुबोते हैं तब जो यहां पे बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेव होगा उसका रेशियो बताना है तो यहां पहले वेलोसिटी निकाली वेलोसिटी का फार्मूला एक ही √t μ यहां देखिए टेंशन नीचे लगेगा एम जी ऊपर टी वन टी वन किसके बराबर इस ब्लॉक का मास आपको मासन है इस बॉडी का डेंसिटी आपको है 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 ब्लॉक का मास है, इसका डेंसिटी सिग्मा और यहाँ तो से टेंशन हो जाएगा एम इंटू जी वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डेंसिटी सिग्मा लेंगे इन जी तो टेंशन टी वन आ गया आपके पास दा? अच्छा यहां पे देखिए जब आप इस ब्लॉक को पानी के अंदर डुबाइएगा तो नीचे लगेगा एम जी ऊपर लगेगा टेंशन रोप है और ऊपर लगेगा बॉइंट फोर्स रो वी जी के बराबर ये पता है आपको तो फोर्स बैलेंस करिए टी टू प्लस वी जी, जी। यहां पे एम को क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डेंसिटी किसका लेंगे इस ब्लॉक का ब्लॉक पे एम जी लग रहा है तो यहां लेंगे डेंसिटी ब्लॉक का और यहां पे रो लेंगे वॉटर का डेंसिटी बॉइंट फोर्स में यहां से देखिए टी टू इतना आ गया टी टू आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला ये म्यू कॉन्स्टेंट क्योंकि रोप कॉन्स्टेंट है

तो यहां से देखिए वेलोसिटी आ गया रूट अंडर स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी अच्छा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन गामा के बराबर होता है यंग्स ऑफ इलास्टिसिटी तो यहां से स्ट्रेस के जगह पे लिख स्ट्रेस के जगह पे लिख सकते हैं यंग्स ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन स्ट्रेन अच्छा आपको क्वेश्चन में गिवन है 1% मतलब 1 मतलब अपॉन 100 गामा आपको गिवन है यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वो वैल्यू पुट करेंगे डेंसिटी आपको गिवन है तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा